गोपाल जी बोल गए, बोलूज गए। ओ नमस्कार प्रणमोलोए शौत्रिकाड वर्ती अरवंताणम, प्रणमोलोए शौत्रिकाड वर्ती शीताणम, प्रणमोलोए शौत्रिकाड वर्ती आयरियाणम, प्रणमोलोए शौत्रिकाड वर्ती उवज्जायणम, प्रणमोलोए शौत्रिकाड वर्ती शवशायणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुमकुंडार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकाशते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लखनऊ, शेषा में बाहिरा भावा सर्वे संयोग लगा। ओम श्री नम श्री देव्य नम श्री देव्य नम श्री देव्य। समय सार जी परमागम शास्त्र है, इसकी अजीव अधिकार की 49 गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें जो अव्यक्त के 6 बोल है, उसमें पहला दूसरा और तीसरा बोल की अपनी चर्चा चल गई है। तीसरा बोल का भी स्पष्टीकरण अधिकांश मेरे ख्याल से आ गया है। तो अपन चौथा और पांचवा बोल संक्षिप्त में अभी ले लेंगे, 30-35 मिनट का टाइम अपने पास है। तो पूज्य गुरुदेव श्री का जो ये अभी प्रवचन सार ग्रंथ के ऊपर प्रवचन चला और उसका 10वीं गाथा के ऊपर चर्चा भी बहुत सुंदर अपनी चली यहाँ पे अभय कुमार जी द्वारा, और ये विषय जो चलता है वो विषय उनसे एकदम अलग है। वो विषय चला वो भी अलग है, दोनों विषय आत्मा के हैं, मगर दोनों विषय पृथक पृथक तरीके से समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने नई चक्र में से एक बात कही है, नई चक्र है उसमें से एक बात पूज्य गुरुदेव श्री बार 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 फरमाते रहते हैं कि द्रव्य के 2 प्रकार हैं, द्रव्य का एक प्रकार नहीं है, द्रव्य के 2 प्रकार हैं। एक द्रव्य होता है प्रमाण का द्रव्य और एक द्रव्य होता है निश्चय का द्रव्य। प्रमाण का द्रव्य जो होता है वो पर से पृथकता करके अपने द्रव्य गुण पर्याय में जीव को लाता है, जो प्रवचन सार करता है उसमें सब बात ऐसी आती है कि राग की पर्याय भी आत्मा की है, उसका आश्रयभूत तत्व भी आत्मा है, ऐसी बातें प्रमाण के विषय में सब आती है। मगर पूज्य गुरुदेव श्री उसका वो प्रवचन में भी स्पष्टीकरण तो करते ही रहते हैं। देखो आज जो प्रवचन चला उसमें ही आया कि द्रव्य की पर्याय में ये सब होता है। द्रव्य है द्रव्य, वो द्रव्य एक ही है, 2 द्रव्य नहीं है, वैसे द्रव्य तो एक ही है। द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा है से अपरिणामी तत्व है, और वही द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से परिणमता द्रव्य है। द्रव्य एक है, द्रव्य 2 नहीं है। 2 द्रव्य जो कहे गए नई चक्र में वो भी द्रव्य तो एक है, मगर उसमें प्रमाण का द्रव्य कौन सा है और निश्चय का द्रव्य कौन सा है, ये जब तक पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी चलती हो तो अपनी समझ में अगर नहीं आ रहे तो अपनी एक तो क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय वाली प्रमाण की सत्ता अपनी सिद्ध नहीं कर सकते, और एक प्रयोजन की सिद्धि अपन नहीं कर सकते। तो एक क्या है कि वस्तु की व्यवस्था समझने की होती है चीज, और एक प्रयोजन की अपेक्षा से चीज होती है। तो वस्तु की व्यवस्था जब समझने की जीव प्रयास करे तो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरी वस्तु अखंड रूप से अपनी प्रमाण का द्रव्य की होती है, उसमें कोई पर्याय उसमें से निकल नहीं सकती,
सभी पर्याय गुण और द्रव्य एक रूप है ऐसा प्रमाण का द्रव्य होता है, और वही द्रव्य में से अभी निश्चय का द्रव्य आपको निकालना है, तो निश्चय का द्रव्य नियम से पर्यायों के बिना का द्रव्य होता है। निश्चय का द्रव्य वो द्रव्य त्रिकाल द्रव्य है, वो दृष्टि का विषय है, उपादेयभूत तत्व है, आश्रयभूत तत्व है, आदरणीय तत्व है, वो दृष्टि का विषय का द्रव्य है। वो प्रमाण का द्रव्य में से आपको पर्याय को बाद करके द्रव्य को उपादेय करना चाहिए। पर्याय पर्याय है, द्रव्य उपादेय है, पूरा द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण का द्रव्य है, वो ज्ञेय है। ज्ञेय है और उपादेय, पूरा प्रमाण का द्रव्य है वो ज्ञेय है। ज्ञेय माने कि जानने योग्य है, जानने योग्य माने कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पूरी एक वस्तु है, वो प्रमाण का द्रव्य है, वो जानने योग्य है। वो प्रमाण का द्रव्य जो नहीं जानता है वो उसमें से निश्चय का द्रव्य निकाल नहीं सकता। हमारे आदरणीय लालचंद भाई जी थे, वो एक दृष्टांत देते थे इसके लिए कि मौसम्बी है ना, मौसम्बी, मौसम्बी क्या है, मौसम्बी ज्ञेय है, वो ज्ञेय है, मौसम्बी है, वो ज्ञेय है माने कि जानने योग्य है। ऐसे ही ये प्रमाण का द्रव्य ज्ञेय है। अभी मौसम भी ज्ञेय है तो मौसम भी को ऐसे ही अपन ग्रहण नहीं कर सकते, उपभोग नहीं कर सकते उसका, क्योंकि तो छिलका साथ में आ जाएगा, तो उसमें भेद ज्ञान करना पड़ेगा। तो भेद ज्ञान क्या करना पड़ेगा कि छिलका निकालो और रस को पी लो। तो प्रमाण का द्रव्य जो है वो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो मौसमी की तरह है। वो मौसमी में द्रव्य पर्याय दोनों छिपे हुए, वो प्रमाण का द्रव्य है। अभी उसको तो अपन ऐसे ग्रहण नहीं कर सकते, तो छिलका सहित की मौसमी आ जाएगी। पर्याय सहित का द्रव्य उसको अपन उपादेय नहीं कर सकते, क्योंकि पर्याय में तो मिथ्यात्व है, राग है, विकारी भाव, असुत्ता सब चल रहा है पर्याय में, तो वो तो उपादेय नहीं है, तो वो ज्ञेय है। तो पहले उसको जानो कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु ज्ञेय है, वो एक प्रमाण का विषय है। फिर उसको ज्ञेय को जान के, क्योंकि पर की तो कोई बात है ही नहीं, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में ही जानना है, उसमें ही भेद ज्ञान है, उसमें ही कोई चीज है कोई चीज उपादेय है, तो अपने तो पहले प्रमाण की मर्यादा में आना चाहिए, फिर है उपादेय की स्थिति चालू होती है। तो ये मौसमी आ गई, अभी उसमें है उपादेय करना, प्रमाण का द्रव्य आ गया द्रव्य पर्याय स्वरूप, अभी उसमें है उपादेय करेंगे तो अपने को चैतन्य रस आएगा। बाह्य में मौसमी में है उपादेय करेंगे तो वहां मौसमी का रस आएगा, ऐसे यहां ए उपादेय द्रव्य पर्याय में करेंगे तो चैतन्य रस आएगा। तो वहां छिलका है और रस उपादेय है, ऐसे यहां द्रव्य पर्याय स्वरूप में पर्याय है और द्रव्य उपादेय है। तो वो उपादेय भूत तत्व जो द्रव्य है वो दृष्टि का विषय है, वो यहां अव्यक्त का बोल में बताना चाहते हैं। ये अव्यक्त का बोल है, वो दृष्टि का विषय की चर्चा है, उसमें पर्याय शामिल नहीं होती है। कौन सी पर्याय शामिल नहीं होती है कि वर्तमान उत्पादने वाली पर्याय शामिल नहीं होती है, भूत की और भविष्य की पर्याय तो अंदर समाविष्ट है, अव्यक्त में समाविष्ट है। ऐसा मेरा चैतन्य परमात्मा है, ऐसा मैं त्रिकाली द्रव्य हूं, ऐसा मैं परम परिणामिक भाव स्वरूप वस्तु हूं, तो ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि ये जो अव्यक्त के बोल है उसमें ये निश्चय का द्रव्य की चर्चा है। प्रमाण का द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो उसकी जगह एकदम बराबर है, मगर प्रमाण का द्रव्य में आत्मा का स्वाद कोई जीव को नहीं आता है अनुभूति रूप। उसमें से त्रिकाली द्रव्य निश्चय का निकालते हैं तब वो पर्याय अभेद होती है, तब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। देखो पर्याय से रहित द्रव्य है उसका श्रद्धान होता है, उसी समय निर्मल पर्याय से सहित द्रव्य है उसका श्रद्धान और ज्ञान सम्यक होता है। जब तक पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य है उसकी श्रद्धा नहीं होती, वो दृष्टि में नहीं आता, वो ज्ञान में नहीं आता, उसकी माने की निरंतरता नहीं चलती जब तक उस तरफ वलन की, तब तक उसको प्रमाण का द्रव्य में हे उपादेय करके वास्तविक वस्तु अपनी उपादेय भूत तत्व है वो नहीं मिल सकता है।
इसलिए यहां जो बताना चाहते हैं वो अव्यक्त का बोल में त्रिकारी द्रव्य की चर्चा है, यहां उपादेय भूत तत्व की चर्चा है। अव्यक्त माने कि व्यक्त नहीं है, जो व्यक्त कौन है, पर्याय व्यक्त है, और द्रव्य है वो अव्यक्त है, वो अपने में अपने से है, वो त्रिकाल अपने में अपने से है, उसको पर्याय चाहे मिथ्यात्व की होवे चाहे पर्याय केवल ज्ञान की होवे, वो उससे परम निरपेक्ष रहता है, उसको कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, ऐसा परम निरपेक्ष अव्यक्त तत्व है। चाहे कोई भी पर्याय प्रकट रूप होवे, द्रव्य को कोई फायदा नहीं, द्रव्य को कुछ नुकसान नहीं, ऐसे हानि वृद्धि से रही, माने कि ऐसा अपना जो अव्यक्त चैतन्य परमात्मा है वो त्रिकाली द्रव्य है, वो मैं हूं, ऐसा यहां अव्यक्त के बोल में बताना चाहते हैं। तो पहला बोल में ये बात आई कि छह द्रव्य स्वरूप लोक है, वो ज्ञेय है और बाह्य है, उससे मैं भिन्न अव्यक्त चैतन्य परमात्मा हूं। दूसरे बोल में ये बात आई कि कसायों का समूह भावक का भाव है, भावक कर्म है, अपनी पर्याय में जो भाव होता है वो कर्म के निमित्त से भावक का भाव होता है, तो भावक का भाव को कसाय का समूह बोल दिया। वो कसायों का समूह से मेरा अव्यक्त चैतन्य परमात्मा भिन्न है। कसायों का समूह कहाँ तक जाता है, जैसे सुबह सुबह भाव को तो कसायों का समूह बोला जाता है, मगर कोई जीव चिंतन में बैठ गया और वही चिंतन उसको चलता है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अविनश्वर हूँ। कोई कहते हैं ना कि मुझे अभी पर्याय का तो विकल्प ही नहीं चलता है, मुझे तो मात्र द्रव्य का ही विकल्प चलता है, तो वो मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनश्वर हूँ, मैं प्रत्यक्ष प्रतिभासमय हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प है, वो कसायों का समूह है, वो कसायों का समूह है, वो कर्म के निमित्त से यहाँ भाव्य हुआ है, वो भावक का भाव है, चैतन्य का भाव, नायक का भाव नहीं है। ये विकल्प, जो विकल्प आखिरी में होता है जीव को अनुभूति के पहले, वो विकल्प को भी कसायों का समूह में डाल दिया है। यहां तक कसायों का समूह जीव को चलता रहता है, क्योंकि आखिरी मैं तो अभी पर्याय का विकल्प नहीं करता हूं, परत का तो करता ही नहीं, जगत का तो करता ही नहीं, क्षेत्र स्वरूप लोक तो ज्ञेय है, मगर अभी मेरा चैतन्य परमात्मा जो अव्यक्त है वही मैं हूं, उसी की ही मैं विचारधारा चलाता हूं, उसी का ही विकल्प करता हूं। तो बोलते हैं भाई ठहरो, ये तो कसायों का समूह है भाई, ये तेरा स्वरूप का परिणाम नहीं है, तू उसमें अर्जित मत होना, वो तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा परिणाम नहीं है, इसलिए कसायों का समूह जो भावक भाव है उससे भी अव्यक्त चैतन्य परमात्मा पृथक है, भिन्न है, ऐसा दूसरा बोल में कहा। तीसरा बोल में चित सामान्य की चैतन्य, चित सामान्य में यानी कि ज्ञान दर्शन सामान्य में यानी कि त्रिकाली द्रव्य में अपना स्वभाव में चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियां भूत भावी की सर्वव्यक्तियां अंतर्निमग्न है वर्तमान को छोड़ के, क्योंकि वर्तमान पर्याय ये निर्णय करती है कि मैं अव्यक्त हूं, चित सामान्य हूं, ऐसा निर्णय करने के लिए वो बाहर खड़ी है, ऐसा तीसरा बोल आया। अभी चौथा बोल में कहना क्या चाहते हैं, चौथा बोल कहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं। व्यक्ति कैसी होते है, क्षणिक होती है, व्यक्ति कैसी होती है, प्रकट रूप होती है, व्यक्ति कैसी होती है, उत्पादने वाली होती है, व्यक्ति कैसी होती है, परिणामशील होती है, व्यक्ति कैसी होती है, एक समय की होती है, व्यक्ति कैसी होती है कि या तो विभाव रूप या तो नया स्वभाव की प्रगटता रूप होती है, इसलिए वो क्षणिक व्यक्ति मात्र जो परिणमन व्यक्त पर्याय में चल रहा है, ऐसा उत्पाद व्यय रूप क्षणिक व्यक्ति मात्र में नहीं हूं, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं यानी कि उत्पाद व्यय रूप ही मैं नहीं हूं, ये निश्चय के द्रव्य की बात चल रही है, अभी प्रवचन सार में चली वो प्रमाण का द्रव्य की बात है, यहां प्रमाण का द्रव्य में से निश्चय का द्रव्य तेरा वास्तविक त्रिकाल जो टिक रहा है निरंतर 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 निरंतर, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, वो निरंतर वर्तमान है, और ये पर्याय प्रकट होती है
वो क्षणिक वर्तमान है, वो निरंतर वर्तमान है, प्रत्येक समय निरंतर 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 निरंतर, और ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, अनादि अनंत स्वभाव, उसको बोला जाता है अव्यक्त परमात्मा, चैतन्य परमात्मा। पंचास्ती काय में उत्पाद व्यय को संयोग कह दिया है, संयोग किया, संयोग। उत्पाद व्यय में सब पर्याय आ गई, शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी आ गई और सामान्य गुणों कोई भी पर्याय आ गई प्रकट रूप, उसको उत्पाद व्यय में संयोग में डाल दिया उत्पाद व्यय को, और ध्रुव को स्वभाव में रखा। तो यहां ये कहना चाहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र मेरा ध्रुव स्वभाव नहीं है, व्यक्ति प्रति समय प्रकट होती है, प्रति समय उसका परिणमन चल रहा है। ध्रुव के बिना पर्याय कभी नहीं होती और पर्याय के बिना ध्रुव कभी नहीं होता। द्रव्य पर्याय का स्वरूप ऐसा है, प्रमाण का द्रव्य हमेशा कायम रहता है, मगर प्रमाण का द्रव्य में से जो निश्चय का द्रव्य निकालता है वो जीन वचन में कुशल है, ऐसा स्वामी कार्तिकेय ने परीक्षा में लिखा है आचार्य भगवान ने, कि प्रमाण का विषय है उसमें से जो निश्चय का द्रव्य अव्यक्त परमात्मा त्रिकाली परमात्मा, दृष्टि का विषय जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्येक प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूं, ऐसा जो अपना तत्व निकालता है वो सचमुच में अव्यक्त स्वरूप भगवान आत्मा को उसमें उसने निकाला और वो जीन वचन में कुशल हो गया है। प्रमाण का द्रव्य तो है, उसकी चर्चा तो बहुत होती है, मगर प्रयोजन की सिद्धि कैसे होवे वो यहां बता रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक सब विषय स्पष्ट किया, मगर दृष्टि का विषय मुख्यता से चलता है, दृष्टि का विषय निरंतर उसका चलता रहता है। कोई भी शास्त्र की चर्चा चले, चाहे आप चरणानुयोग का शास्त्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी ले लो, करणानुयोग का कोई शास्त्र ले लो, द्रव्यानुयोग का ले लो, प्रथमानुयोग का ले लो, कोई भी शास्त्र का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का सुनो, तो दृष्टि का विषय की मुख्यता से ही बात उसकी चलती है। वो दृष्टि का विषय अव्यक्त रूप में यहां बता रहे हैं, इसकी चर्चा यहां अव्यक्त के बोल में आई है, इसलिए कहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र वो नहीं है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें ये प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात कही है, अपन ने नहीं चलाया, 124 नंबर का प्रवचन आप सुन लेना, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने अनंतता की परिभाषा की है कि अपना द्रव्य द्रव्य से अनंत 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 क्षेत्र से अनंत 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 काल से अनंत 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 भाव से अनंत अनंत अनंत, ऐसा अपना स्वभाव द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित अंदर में चैतन्य परमात्मा है कि उसकी उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई छेड़ा नहीं है, उसका कोई आखिरी काल नहीं है, उसका कोई समय आखिरी नहीं है, ऐसी उसकी पर्याय अनंत 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 पर्याय, छेड़ा वगैर का गुण और छेड़े बिना की पर्याय, इसकी स्पष्टता पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रवचन में की है। और समय सार 19वीं बार का 9 नंबर का प्रवचन है दूसरी गाथा का, उसमें अनंतता की बहुत चर्चा आई है, आप लोग सुन लेना उसको गुरुदेव का प्रवचन में, ऐसी अनंतता की चर्चा की है पूज्य गुरुदेव श्री ने कि अपन उसको सुने तो अपने भाव में ऐसा भाषण हो जाए कि मेरी इतनी अनंतता अंदर भरी पड़ी है, इतनी मेरी अमर्यादितता अंदर पड़ी है, इतनी मेरी गहनता है कि वहां कोई अंत ही नहीं है, जितना मैं अंदर जाता हूं, जितना मैं अंदर जाने का प्रयास करता हूं तो और गहनता दिखती है, और गहनता दिखती है, और गहनता दिखती है, और गहराई दिखती है। इसलिए ज्ञानी लोग होते हैं वो जब अपने चैतन्य सदन में निवास करने चले जाते हैं तो वहां से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि इतनी अनंतता दिखती है उसको, इतना परिपूर्ण स्वभाव अपना दिखता है, इतनी चैतन्य सत्ता उसको अंदर में गहनता से दिखती है, इतना वैभव दिखता है अपना, अनंत शक्तियों का वैभव इतना दिखता है कि वो एक 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 वैभव को देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं और अतीन्द्रिय आनंद की मौज करते रहते हैं। ऐसी कोई अनंतता अपने चैतन्य स्वभाव में भरी पड़ी है,
ऐसा मेरा त्रिकाली द्रव्य शाश्वत परमात्मा है, ऐसा मैं अखंड परमात्मा हूँ, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा मैं ध्रुवधाम हूँ, ऐसी मेरी वस्तु अव्यक्त है कि जो अव्यक्त में सब गर्भित होने पर भी ऐसा भेद नहीं है उसमें, ऐसी अभेद वस्तु में हूँ, ऐसा टंकोत्कीर्ण परमात्मा उसमें कहते हैं कि वो टंकोत्कीर्ण परमात्मा में उसको अघटित घाट बोला जाता है। अघटित घाट, वो अनघटित घाट की बात आई ना, अघटित घाट गुरुदेव बोलते हैं, अघटित घाट, अघटित घाट कि जिसको किसने बनाया नहीं और जिसका कभी व्यय होने वाला नहीं, अनादि से ऐसा नैसा, अनादि से ऐसा नैसा चैतन्य परमात्मा वो क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, वो त्रिकालता से भरा पड़ा, भरा पड़ा अंदर चैतन्य परमात्मा है, अनंत शक्तियों से सभर परमात्मा है। ऐसी ऐसी शक्तियां अंदर भरी है आत्मा में कि तुझे जो भी चाहिए ना ऐसी शक्ति है अंदर में। तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान नाम की शक्ति है, तुझे दर्शन चाहिए तो दर्शन नाम की शक्ति है, तुझे सुख चाहिए तो सुख नाम की शक्ति है, तुझे सर्व को देखना है तो आत्मज्ञान में सर्वत्र दर्शित्व शक्ति है, तुझे सर्व को जानना है तो आत्मज्ञान में सर्वज्ञत्व शक्ति है, तुझे व्यापक होना है तो विभुत्व नाम की शक्ति है, तुझे प्रभुता चाहिए तो प्रभुता संपन्न प्रभुत्व शक्ति है अंदर मां। तुझे जो चाहिए वो शक्तियां तेरे भगवान आत्मा में, चैतन्य परमात्मा में, त्रिकाली द्रव्य में, अखंड सत्ता में, अनादि अनंत सत्ता में भरी पड़ी है। जो चाहिए वो अंदर है, वो ढूंढता है बाहर। बनारसी दास जी ने लिखा है ना, कोई कहे प्रभु हेठे जमी के, कोई कहे ऊपरी आसमां के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में है मोही सुजतनी के, है अंदर में ढूंढता है बाहर में, सब अपने अंदर में भरा पड़ा है, सब अव्यक्त परमात्मा में चैतन्य में भरा पड़ा है, बस अव्यक्त परमात्मा में हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धा अगर उसको हो जाए बस, तो वही काम ये अव्यक्त का बोल बता रहे हैं कि तू अव्यक्त परमात्मा का दर्शन कर, व्यक्त की दृष्टि, व्यक्त की बुद्धि, व्यक्त का ज्ञान उसको त्याज्य कर दे, उसको हेय कर दे और उपादेय बुद्धत्व को ग्रहण कर ले, तो तेरी जो पर्याय हैं वो शुद्धता रूप से प्रकट होगी। फिर भी वो शुद्धता को वो नहीं देखेगा, ऐसा छठा बोल में आया है, पोते अपन 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 अपने से बाह्य और अभ्यंतर स्पष्ट रूप से अनुभवाता होने पर भी, अनुभवाता होने पर भी वो अनुभूति के प्रति भी उदास है। जो ज्ञायक भाव है, चैतन्य परमात्मा है, ज्ञानी है, पोते पोता थी बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभवाय रहियो होवा छता, बाह्य थी व्यक्त थी अनुभूति थी पर उदास छे, एवी कोई चैतन्य सत्ता छे, एवी कोई परिपूर्ण सत्ता छे, एवी कोई अखंड सत्ता छे, एवी कोई ध्रुव सत्ता छे, कि जे ध्रुव सत्ता नो ज्या एने विश्वास आवे छे उसका प्रतीति हो जाती है, बस तो प्रतीति में सब समा जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन का विषय चैतन्य परमात्मा रिसर्च करके शास्त्रों में से निकाला है, उसका जब स्वकाल गुरुदेव श्री नहीं आए थे तब तक सम्यक दर्शन का विषय की बात ही कहीं नहीं चलती थी। ये सम्यक दर्शन का विषय और सम्यक दर्शन की चर्चा चतुर्भुज स्थान से सम्यक दर्शन और धर्म की शुरुआत होती है, वो बात तो पूज्य गुरुदेव श्री के उदय के बाद शुरू हुई है, यानी कि उससे ही शुरू हुई। उसने निकाला के चतुर्भुज स्थान से तुझे प्रतीति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति सम्यक दर्शन का विषय का आदर करके शुरू होती है, छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान से तेरी प्रतीति चालू होती है, ऐसा नहीं है, चतुर्थ गुण स्थान से प्रतीति चालू हो जाती है, आगे बढ़ते बढ़ते पांचवा है सातवा छठा है वो अलग बात है, मगर धर्म की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से सम्यक दर्शन का विषय जो अपना त्रिकाल परमात्मा है उसको ग्रहण करके, उसका अनुभव करके, उसकी प्रतीति करके, उसमें लीनता करके, उसका आश्रय करके, उसको लक्ष्य बना के जो अपना परिणमन होता है उसमें सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रगटता होती है, और वो प्रगटता होती है वो क्षणिक व्यक्ति मात्र भी मेरे में नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं, वो क्षणिक है, वो क्षणिक व्यक्ति है, प्रगट रूप है, जितना प्रगट नया होता है
वो परद्रव्य है, और जितना प्रकट चैतन्य परमात्मा है वो स्वद्रव्य है। जितना प्रकट होता है, जितना व्यक्त होता है, जितना क्षणिक होता है, चाहे केवल ज्ञान भी होवे, तो नियम सार में साई भाव को भी परद्रव्य पर स्वभाव और हे कह दिया। वो क्यों कह दिया? इसकी अपेक्षा से वो है, उसकी अपेक्षा से वो है, मगर ये इससे देखो, इसको देखो, तो वो भी परद्रव्य है, पर स्वभाव है और हे ही है। प्रकट होने वाली सब दशाएं क्षणिक होने से, क्षणिक व्यक्ति मात्र मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाल चैतन्य सत्ता हूं, ऐसा ये चौथे बोल में कहना चाहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र अव्यक्त परमात्मा नहीं है। और पांचवा बोल में ये आया है कि व्यक्तपना और अव्यक्तपना, व्यक्तपना माने पर्याय रूप भाव, अव्यक्तपना माने द्रव्य रूप भाव, वो दोनों इकट्ठा होके मिश्रित रूप से, मिश्रित का अर्थ ही जुदा है, मिश्रित का अर्थ ही जुदा है, व्यक्तपना अव्यक्तपना इकट्ठा मिश्रित रूप से ज्ञान में प्रतिभासित होने पर भी, ज्ञान में द्रव्य और पर्याय दोनों प्रतिभासित होते हैं, ऐसा होने पर भी वो जो व्यक्तपना है, वो जो बाह्यपना है, उसको अव्यक्त स्पर्श नहीं करता, उसको अव्यक्त छूता नहीं है। अव्यक्त से चर्चा चले तो अव्यक्त व्यक्त को कभी छूता नहीं है, और व्यक्त से चर्चा चले तो व्यक्त जब तक आत्मा को न छूवे तब तक अनुभूति नहीं होती। देखो एक दृष्टांत देता हूं आपको, थोड़ा 5 मिनट में। अनुभूति के टाइम में क्या होता है कि द्रव्य और पर्याय भिन्न है, कि द्रव्य और पर्याय अभिन्न है, पर्याय में द्रव्य नहीं आता, द्रव्य में पर्याय नहीं आती, इसमें ये लिया गुरुदेव ने लिया है इसमें, इसलिए मैं उसकी चर्चा करता हूं, आप पढ़ लेना, उसमें आया है। देखो 205 नंबर के पेज पर है, देखो 205 नंबर थोड़ा निकाल लो, क्योंकि अपने तो गुरुदेव में से ही सब लेते हैं, ये सब बातें चलती है वो गुरुदेव की ही है सब। देखो उसमें लिखा है, पर्याय उसे जाने, पर्याय उसे जाने कि यह पूर्ण पूरा है, फिर भी पूर्ण स्वरूप पर्याय में नहीं आता, पूर्ण स्वरूप पर्याय में नहीं आता, द्रव्य पूरा है मगर पूर्ण स्वरूप पर्याय में नहीं आता, उसका ज्ञान आता है, उसका ज्ञान आता है, माने कि पर्याय में जो ज्ञान प्रकट होता है उसमें पता चल जाता है कि द्रव्य ऐसा है, उसको बोला जाता है कि उसका ज्ञान आता है। श्रद्धा की पर्याय में पूर्ण जितना है उसकी प्रतीति आवे, परंतु प्रतीति में वह वस्तु है वह नहीं आती, ऐसी बात के समक्ष कहां दूसरी बातें करें। ये बात कहना चाहते हैं कि पर्याय में द्रव्य नहीं आता, द्रव्य का ज्ञान आता है, श्रद्धा की पर्याय में श्रद्धा गुण वाला त्रिकाली द्रव्य नहीं आता, श्रद्धा में उसकी प्रतीति आ जाती है। तो एक तरफ ये बात आती है कि अव्यक्त व्यक्त को छूता नहीं है, पांचवा बोलना है ना, अव्यक्त व्यक्त को छूता नहीं है, स्पर्श करता नहीं है, क्योंकि व्यक्त पृथक है अव्यक्त पृथक है। अभी अनुभूति के काल में क्या होता है, ये अनुभूति करने के लिए ये बोल डाला, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, व्यक्त और अव्यक्त इकट्ठा होके मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर व्यक्तपना को अव्यक्त स्पर्शता नहीं है। तो व्यक्तपना को अव्यक्त स्पर्शता नहीं है वो किसको पता चले, कि जो अनुभूति हो रहे उसको पता चले, अनुभव के काल में ही तो पता चलता है ना। देखो अभी एक आदमी को हाथ में जलन हो गया, जलन, अभी वो जलन हुआ है, अभी उसको जलन को निकालना है समझो, तो जलन को निकालने के लिए वो क्या करेगा? तो किसी को पूछा उसने, तो उसने बोला कि तेरे पास बर्फ की पाट पड़ी है ना, उसके ऊपर तू ये तेरा जलन वाला हाथ को रख दे, तेरी जलन मिट जाएगी। तो नहीं 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 ऐसा नहीं होता, तो द्रव्य पर्याय एक हो जाएंगे, दृष्टि का विषय चला जाएगा मेरा, मेरा दृष्टि का विषय तो सुरक्षित रहना चाहिए, पर्याय उसको स्पर्श कर लेगी तो दृष्टि का विषय चला जाएगा, तो क्योंकि पर्याय उसको स्पर्श नहीं करेगी तब तक अनुभव नहीं होगा, और अनुभव करने के लिए अव्यक्तपना है, अनुभव के टाइम में व्यक्त और अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप में प्रतिभासित होता है। अनुभव के लिए अव्यक्त परमात्मा है, अनुभूति के लिए अव्यक्त परमात्मा है, त्रिकाली द्रव्य है,
उसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। उसकी दृष्टि जब तक नहीं होवे, उसको ख्याल में जब तक नहीं ले, तब तक अनुभूति का काल नहीं पकता है। तो उसको बोला कि भाई तुम ये बर्फ के ऊपर हाथ रख दे तो तुझे अनुभूति, तो तेरा हाथ की जलन चली जाएगी। तो के नहीं नहीं वो तो ये द्रव्य है और ये पर्याय है, पर्याय उसको छूती नहीं, पर्याय छू लेगी तो द्रव्य पर्याय एक हो जाएगा, पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा। अभी तो आप बोलते थे कि अव्यक्त है, छह द्रव्य स्वरूप लोग को स्पर्श नहीं करता, छुया नहीं, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, और अभी आप अभी बोले अभी भोग के ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है भैया, स्वरूप ऐसा है कि पर्याय द्रव्य को छूती हुई नहीं छूती है, छूती हुई नहीं छूती है, ऐसा स्वरूप है पर्याय का। तब तक तुम हाथ नहीं डाल रखोगे उधर, जलन नहीं जाएगी, और पर्याय द्रव्य के साथ ऐसे अभेद हो गई। अभेद हुई माने पर्याय पर्याय रूप रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, मगर पर्याय और द्रव्य, पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, पर्याय ने द्रव्य की दृष्टि की, पर्याय ने द्रव्य में अहम किया, ऐसा वहां विकल्प नहीं होगा। विकल्प छूटता है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु ज्ञान में आ जाती है। दृष्टि द्रव्य की, ज्ञान द्रव्य पर्याय स्वरूप का, और अनुभूति परिणति में हो जाती है। ऐसा ये पांचवा बोल में कहना चाहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त भेड़ा मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी व्यक्त को अव्यक्त स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करता माने वहां कोई स्पर्श नहीं होता, समझो आप द्रव्य पर्याय का कोई स्पर्श नहीं होता, कोई एकमेकता नहीं होती, पर्याय में सम्यकता हो जाती है कि मेरा द्रव्य ऐसा है, ऐसी सम्यकता का नाम स्पर्श है। क्योंकि स्पर्श तो पुद्गल में है, स्पर्श गुण वहां स्पर्श गुण थोड़ी है, वहां तो अनुभूति है, वहां तो जानना है, वहां तो चैतन्य सत्ता है, वहां तो सम्यक जानना होता है, उसको अनुभूति बोली जाती है। ये पांचवा बोल है, और छठा बोल अपन ने ले लिया कि पोते पोता थी बाह्य अभ्यंतर स्पष्टपणे अनुभवाय रहियो होवा छता पोतानी ज अनुभूति प्रत्ये उदासीन छे। एटले के ज्ञानी पोताना अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मामां निमग्न होय छे। अनुभूति हो तो पण भले सदुपयोग रूप परिणति में चालतु हो तो पण भले, पण ज्ञानी पोताना स्वभाव ने कदी छोड़तो नथी, निरंतर एनी ध्रुव धारा ज्ञान धारा चाला करे छे, अने राग धारा उससे पृथक, कर्म धारा उससे पृथक ही रहती है। ऐसा कोई ये अव्यक्त का बोल में ज्ञानी होने का संदेशा पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा कुनकुंद आचार्य के पास अपने को मिला है। सभी जीव उसका अपना स्वाध्याय माने कि करके मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव। रूम नंबर 128 टावर टावर में पंडित जी साहब के द्वारा जो लोग रहे हैं व्यवस्था पहुंच कर उनके यूट्यूबर का व्यापार